सभी सखियों को राधे राधे, सबके लिए करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये है मेरा लुक, मैंने आज राजस्थानी अटायर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा, टाइम का पता ही नहीं चला, हम पूरा दिन बिजी रहे रील्स बनाने में। ये है मेरी दोरानी जिसके संग मैंने अपनी सारी रील्स बनाई हैं, जो मुझसे भी ज़्यादा क्यूट है। और आप मेरी सारी रील ज़रूर देखिएगा, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा तो अब आने वाला है, ये है मेरी सासू माँ जिनके संग हमने बहुत सारी रील बनाई। और मेरी सारी सखियों से यही प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल के सारे शॉर्ट्स लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मुझे बताइए कि मैं अपने शॉर्ट्स में कैसी एक्टिंग कर रही हूँ, क्या आपको पसंद आ रही है या नहीं, और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था हम पूजा की ओर चले, क्योंकि चांद भी निकलने ही वाला था, तो हम ये चाह रहे थे कि चांद के निकलने से पहले हम अपनी पूजा को समाप्त कर लें। जैसे जैसे हमारी पूजा चल रही थी तो हमको पता लगा कि हाँ चांद निकलने ही वाला है, और हमने अपना सारा सामान लेकर छत पर चल दिए करवे और थालियों के साथ। जैसे ही हम छत पर पहुँचे तो चांद निकलने में टाइम बचा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी वीडियोस को बना लें, और हमें तो बस मौका मिलना चाहिए, तो हम दोनों दौरानी जानी अटकेलियाँ करने लगे। और ये आ जाते हैं हमारे कुंवर जी, हैंडसम डूड, बॉडी बिल्डर। सखियों, हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं, पर ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। अब आता है चांद और अब हमारी करवा चौथ की पूजा स्टार्ट। जैसे ही हम यहाँ ठेलियाँ कर रहे थे तो चंद्रमा दिखाई दे जाता है और हम स्टार्ट करते हैं अपनी पूजा। हमने पूजा करने के बाद एक बहुत ही अच्छी रील बनाई, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी कुछ सखियों की वीडियो जो उन्होंने करवा चौथ पर मुझे भेजी थी कि वो कैसी लग रही हैं। मुझे ऐसा लगा इनको भी मुझे अपनी वीडियो में जोड़ देना चाहिए। यह है मेरी प्रिय सखी ज्योति भाभी, इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है और इनके भजन तो खैर क्या कहने, कभी आपको मैं अपने ब्लॉग में सुनाऊँगी। इनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है और ये बहुत सुंदर लग रही थी। जैसा इनका रूप है ना, ऐसा ही इनका स्वभाव भी है। और अब आती हैं हमारी मधु भाभी, क्या इनको देखकर आप बता सकते हैं कि इनके बेटों की शादी हो गई है और ये नाती पोते वाली हैं। इनके चेहरे से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता, प्रभु सबको ही ऐसा रूप रंग दे। और अब आती है बारी हमारी फैशन इंस्टा क्वीन एकता वाशने की, जिनके रंग रूप और फिगर के चर्चे सारे मोहल्ले में हैं। इनकी अदाओं और फैशन के सामने हर कोई फेल हो जाता है। अब आती है हमारी मीनू उपाध्याय की बारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ऑसम लग रही थी। इनका लुक भी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। और अब आ जाती हैं हमारी कुछ फ़ोटोज़ जो हमने बाद में क्लिक की थी। चलिए तो आप देखिए हमारा फ़ोटो सेशन और हमें बताइए कैसी लग रही हैं हमारी फ़ोटोज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।